हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके फंक्शंस। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर जान लें। आप जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी बॉडी के अंदर होता है, तो इसका सारा ऑर्गन भी बॉडी के अंदर ही, यानी सारी फंक्शंस बॉडी के अंदर ही होते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है। एब्डोमिनल कैविटी आपको हमने बताया है कि अपर पोर्शन थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम का अपर पोर्शन और डायफ्राम का नीचे का पोर्शन एब्डोमिनल कैविटी। तो सारा सेक्स, चाहे फीमेल हो या मेल हो, सारा सेक्स ऑर्गन या सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये एब्डोमिनल कैविटी में ही सिचुएटेड होता है। अब इसके पार्ट्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वन पेयर ऑफ ओवरी। जिस तरह से मेल में वन पेयर ऑफ टेस्टिस था, उसी तरह से फीमेल में वन पेयर ऑफ ओवरी। ये ओवरी एब्डोमिनल कैविटी में ही किडनी की दोनों साइड में सिचुएटेड होती है, वन पेयर में होती है। और इस ओवरी का काम है, मेन फंक्शन इसका है, ओवा फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करना। मेल में मेल गैमिट प्रोड्यूस हो रहा था, जिसको कि हम स्पर्म कहते थे। यहां पर क्या कहते हैं फीमेल गैमिट को? ओवा। और अगर ये गैमिट है तो हमने आपको बताया है कि इसमें क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर भी होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि ह्यूमन बीइंग में अगर हम बात करें तो 23 क्रोमोसोम होगा, क्योंकि फुल क्रोमोसोम 46 होता है, 23 पेयर। फॉर 23 स्पर्म में भी था, 23 ओवा में भी था। अब ये 46 कैसे बनेंगे ये हम लोग जानेंगे अभी। अच्छा, वहां पर बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन होता था, यहां बाय द प्रोसेस ऑफ ऊजेनेसिस किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का। सिंगुलर है ओवम और प्लूरल है ओवा, राइट? तो ये तो हो गया फंक्शन। इसके अलावा जैसे टेस्टिस स्पर्म के अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता था, उसी तरह से ओवरी भी ओवा के अलावा दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है। पहला है ऑयस्ट्रोजन। कुछ बुक्स में आप पाएंगे इसको लिखा हुआ एस्ट्रोजन। तो बोथ आर सेम, यहां पर ओ साइलेंट है तो एस्ट्रोजन ही बोलते हैं, ओ से कहीं लिखा रहता है कहीं ओगी से, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। एस्ट्रोजन प्लस सेकेंड हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का फंक्शन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना, यानी ड्यूरिंग प्यूबर्टी आफ्टर द एज ऑफ 12 द फीमेल्स जो है उनका जो है उनके अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में, जैसे मेमोरी ग्लैंड डेवलप होने लगती है, कुछ वॉइस उनकी मामूली हल्की ही रहती है, प्लस उनके और भी चेंजेस जो है प्यूबर्टी हेयर और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब चीजें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। सेकेंड हार्मोन आफ्टर प्रेगनेंसी काम करता है प्रोजेस्टेरोन, ये प्रेगनेंसी को 9 मंथ तक मेंटेन रखता है ये सेकेंड हार्मोन। तो ये दो तो हार्मोन रिलीज करता है प्लस ओवा रिलीज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। और ओवा क्या है? फीमेल गैमिट है और गैमिट है तो
तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे 23 इन ह्यूमन भी, सभी एनिमल्स की बात नहीं है, ह्यूमन में ही 46 क्रोमोसोम होते हैं, हर एक एनिमल के अलग अलग नंबर्स होते हैं क्रोमोसोम के, राइट। तो ये तो हो गई बात ओवरी की। अब दूसरा पार्ट आता है फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब मेन साइट है फर्टिलाइजेशन का, मेन फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, इट इज द साइट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहीं पर ओवा और स्पर्म का फ्यूजन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अब एक ओविड्यूकल फनेल भी होती है, ये क्या होती है, ओवरी जो है वो डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी नहीं होती, बल्कि एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आफ्टर द ओव्यूलेशन ओवा आता है, ये रिसीव करता है फैलोपियन ट्यूब और रिसीव करने के बाद यहां तक ये आती है। अब ओवा तो कोई मोटाइल होता नहीं है, तो ओवा मूव कैसे करेगा, ओवा के अंदर कोई फ्लैजेला वगैरह है नहीं, तो उसके लिए यहां पर इसकी वॉल्स पर सिलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो ओवा को मूव करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओविड्यूकल फनेल के बारे में आप जान लीजिए, इसको कहीं पर फनेल भी लिखा है, आप जान लीजिए फुल नेम इसका ओविड्यूकल फनेल है, ठीक, इट इज अ फनेल लाइक स्ट्रक्चर। अब ये दो साइड्स होते हैं, दो ओवरी है तो दो फैलोपियन ट्यूब होगी, और दोनों फैलोपियन ट्यूब एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, बड़े स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको कि कहते हैं यूटरस, क्या कहते हैं, यूटरस या वोम्ब, ये है यूटरस, ये पूरा ट्रायंगुलर पोर्शन, दिस इज कॉल्ड यूटरस। तो ये यूटरस में खुलता है, और यूटरस का क्या फंक्शन है, यूटरस के अंदर ही जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो बाद में एम्ब्रियो और फीटस बनता है, वो यहीं पर आकर इम्प्लांट होता है इसकी वॉल पर, तो और 9 मंथ तक यहीं रेस्ट करता है, सारा फंक्शन यूटरस के अंदर यानी कि वोम्ब के अंदर ही टेक प्लेस होता है। इसके अलावा क्या पोर्शन है और पार्ट क्या है, इसके बाद है वैजाइना, इट इज द फर्स्ट ओपनिंग विच रिसीव्स द स्पर्म फ्रॉम द पेनिस ऑफ अ मेल पर्सन, एक मेल पर्सन के पेनिस से जो स्पर्म निकलता है वो यहीं पर रिलीज होता है वैजाइना, इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि इससे डिलीवरी भी बेबी की इसी ओपनिंग से होती है, सो इट इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल और वैजाइना। अब यह वैजाइना और यूट्रस के बीच में एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको सर्विक्स कहते हैं, और इस भी छोटी सी कैनाल को सर्विकल कैनाल भी बोलते हैं, इसका मेन फंक्शन है वैजाइना को यूट्रस से जोड़ना, यानी कि जो रिलीज होता है यहां स्पर्म वो सर्विकल कैनाल से होते हुए ही फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, और यहीं पर फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये हो गया सर्विक्स, यूट्रस के बारे में आपने जान लिया। अब इसके बाद की क्या प्रोसेस होती है, यहां तक आपने जान लिया, इसके बाद क्या प्रोसेस होती है, इसकी बाद की प्रोसेस मेन होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मींस क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल, इट इज द सिंबल ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन, जो कहां पर होता है फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब में। अब मेल एंड फीमेल गैमिट का मतलब क्या हुआ,
मेल गैमिट तो हो गया स्पर्म प्लस फीमेल गैमिट हो गया ओवा, ओवम कह दीजिए सिंगुलर, ये हो गया मेल गैमिट और ये हो गया फीमेल गैमिट। अब इन दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा 23 क्रोमोसोम यहां है प्लस 23 क्रोमोसोम यहां है, फ्यूजन के बाद बनेगा क्या जाइगोट, जाइगोट बनेगा और जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे 46। अब इसी 46 क्रोमोसोम से बेबी का पूरी बॉडी बनेगी। हमारे आपकी बॉडी में भी 23 क्रोमोसोम आपके फादर की साइड से आया है हमारे आपके, और 23 क्रोमोसोम हमारी आपके मदर की साइड से आया है। तो यानी कि दोनों का फ्यूजन हुआ और फ्यूजन के बाद 46 क्रोमोसोम फिर से बने और 46 क्रोमोसोम भी एक ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल होते हैं। अब ये फ्यूजन कैसे होता है, सपोज कीजिए एक ओवा है ये विच इज रिलीज्ड बाई ओवरी बाई द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस हैविंग 23 क्रोमोसोम्स रिलीज्ड एंड कम्स थ्रू फैलोपियन ओविडुकल फनल से होते हुए ये कहां पर आया फैलोपियन ट्यूब में, और इसी समय एक स्पर्म, इसे तो मिलियंस ऑफ स्पर्म यहां पे आएंगे, मिलियंस ऑफ स्पर्म मूव करेंगे टुवर्ड्स ओवा, लेकिन केवल एक में एक स्पर्म होता है, ओनली सिंगल स्पर्म विच मेक्स फ्यूजन विद दिस ओवा, दिस इज ओवा, ओवम एंड दिस इज स्पर्म, और इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा विच इज नोन एज जाइगोट, दिस इज जाइगोट। तो इसमें 23 क्रोमोसोम यहां पर हैं, 23 क्रोमोसोम यहां पर हैं और 46 क्रोमोसोम यहां पर, ठीक। अब यहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, कहां पर फैलोपियन ट्यूब में। अब इसके बाद की क्या स्टेजेस हैं, इसके बाद की स्टेजेस ये हैं, कि ये जो जाइगोट है दिस इज अ जाइगोट, ये कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डिवाइड करेगा पहले दो पार्ट में, फिर चार पार्ट में, फिर आठ पार्ट में, इस तरह करते हुए ये टोटल हंड्रेड्स ऑफ सेल्स हो जाएंगे और एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा सेल्स का विच इज नोन एज एम्ब्रियो, हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एम्ब्रियो, क्या कहते हैं इसको एम्ब्रियो। अब इसी एम्ब्रियो से फीटस का निर्माण होगा। ये एम्ब्रियो क्या करता है, ये मूव करके यहां आता है एंडोमेट्रियम साइड, और एंडोमेट्रियम यानी कि यूटरस की वॉल से ये अटैच हो जाता है एम्ब्रियो नाउ attached with the wall of uterus that is endometrium से attached होता है। यहां पर endometrium है, यहां पर आकर ये suppose कीजिए attach हो गया embryo, it is embryo। अब यहां पर क्या होता है,
यहीं पर सारा डेवलपमेंट होता है। अटैच हो गया, अब यहां पर एक डिस्क लाइक कनेक्शन बन जाता है विच इज नोन एज प्लेसेंटा। अब यहां पर प्लेसेंटा बन जाता है और इसी प्लेसेंटा के थ्रू जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका न्यूट्रिशन, उसका एक्सक्रीशन, उसका रेस्पिरेशन सब कुछ क्या होता है, इसी प्लेसेंटा के थ्रू होता है टिल बर्थ। टिल बर्थ सारा न्यूट्रिशन इसी प्लेसेंटा के थ्रू होता है और यहीं पर पूरा का पूरा फीटस डेवलप करता है और इसी के बाद और ये करीब यहां पर 9 मंथ तक रहता है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीटस एंड एम्ब्रियो? पहले तो ये एम्ब्रियो रहता है, और करीब 8 वीक्स तक ये एम्ब्रियो ही कहलाता है क्योंकि 8 वीक्स तक कोई भी बॉडी के ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता। आफ्टर 8 वीक हैंड्स का फॉर्मेशन होने लगता है, लेग्स का फॉर्मेशन होने लगता है, अदर बॉडी पार्ट्स जो है सेपरेट होने लगते हैं, सबके अलग अलग डेवलपमेंट होने लगते हैं एंड आफ्टर 8 वीक्स इट इज नोन एज फीटस। तो फीटस के अंदर क्या होता है, ऑर्गन ऑर्गन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको यहां तक वीक एम्ब्रियो कहते हैं और इसके बाद फीटस कहते हैं और टिल बर्थ ये फीटस ही रहता है। और ये बर्थ कितने दिन बाद प्रूव हो रहा होता है, 9 मंथ टेक्स इतना लेता है और 9 मंथ तक इस प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन रखता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, सेकेंड हार्मोन जो हमने बताया था। एस्ट्रोजन तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, वो 9 मंथ तक प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। ठीक, तो ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन। फिर इस प्रोसेस को जब आके यहां ये अटैच होता है, द प्रोसेस बाय विच द एम्ब्रियो अटैचेस विद द वॉल ऑफ यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन वर्ड आपने सुना होगा क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब जो भी होते हैं जिनके की फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होते, जिन पेयर्स के, जिन कपल्स के फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होते ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू हार्मोनल रीजन, तो उनके एम्ब्रियो को, उनके स्पर्म को और ओवा को आउटसाइड द बॉडी फ्यूज किया जाता है और फ्यूज होने पर जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको यहां पर आर्टिफिशियली इम्प्लांट कर देते हैं, जिसको कि आर्टिफिशियल आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियली इम्प्लांट होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं, IVF आपने नाम सुना होगा। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो बनता है तो उस एम्ब्रियो पर यहां पर इम्प्लांट कर दिया जाता है, दिस इज नोन एज IVF। यानी कि बाद प्रोसेस यही होती है इम्प्लांटेशन, राइट। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानेंगे, ठीक। तो एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, 1 पेयर ऑफ ओवरी, 1 पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, 1 पेयर ऑफ ओविडुकल फनल। फर्टिलाइजेशन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में। इम्प्लांटेशन कहां होता है, वो यूट्रस में या वूम्ब में, और कौन सी वाल पर, एंडोमेट्रियम वाल पर। बाहर की ओपनिंग को वजाइना कहते हैं, इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं। यूटरस और वेजाइना के बीच में एक कैनाल होती है, छोटी सी ओपनिंग होती है, इसको सर्विस कहते हैं, और इनके बीच की कैनाल को सर्विकल कैनाल कहते हैं।
इसके बाद ओवम का फॉर्मेशन यानी कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। ओजेनेसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज ओवा है, और गैमेट है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा यानी 23 होगा। फिर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में। स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, 23 क्रोमोसोम स्पर्म का, 23 क्रोमोसोम ओवम का और 46 क्रोमोसोम हो जाता है जाइगोट में, ठीक। और इसी जाइगोट का अब डिवीजन होता है, डिवीजन होके एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो होने के बाद फिर फीटस बनता है, फीटस होने के बाद फिर बर्थ होती है, ठीक। इसके अंदर जो हार्मोन होते हैं वो आपको हमने बता दिया, दो हार्मोन फंक्शन करते हैं, पहला है एस्ट्रोजन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सेकेंड हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन जो 9 मंथ तक प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो दैट इज फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, टिल देन थैंक यू वेरी मच।